देवताओं की पालकी के आगमन पर जयकारों से गूंजा क्यारी गांव। अपने मूल स्थान से तीन डोलियां पहुंची क्यारी गांव, ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। सिमोग मंदिर में तीन देव शिलगुर, बिजट और चूड़ेश्वर महाराज की देव पालकी सहिया पहुंची। यहां पर श्रद्धालुओं ने देव दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान देव दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इसके बाद देव पालकी शनिवार की दोपहर को क्यारी गांव पहुंची। शाम को देव पालकियों को शुभ मुहूर्त में बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के पैतृक घर में प्रवेश कराया गया। इस दौरान पूरा गांव देवताओं के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान जुबिन ने बताया कि उनके पुरखों ने परिवार और क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए मन्नत मांगी थी, जिसके पूरे होने पर बॉलीवुड सिंगर के घर देव डोली आई है। क्योंकि हमारे पितरों का एक मान्यता की थी कि एक दिन महाराज को घर लेकर के आना है, और ये मेरे लिए और मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि तीन पालकियां महाराज आए हैं और हमारे घर पे आज रात लगाने वाले हैं। जुबिन नौटियाल ने तीनों देव पालकियों का स्वागत कर आशीर्वाद लिया। इस पदयात्रा के दौरान जुबिन के पिता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामचरण नौटियाल पूरी देव यात्रा में शामिल हुए, जहां उन्होंने बताया कि उनके घर देवता आने से पूरे गांव में खुशी का माहौल है। सभी की अपने जितने परिवारजन, जितने गांव वाले, खत बैलाट, अपने पूरे संसार भाव, सारे रिश्ते नाते, तमाम लोगों की खुशहाली के लिए हमने ये भंडारा किया है और डोलियों की हम लाए। वहीं पुजारी भीमदत्त शर्मा ने बताया कि विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद देवता ने घर में प्रवेश किया। देव दर्शन के लिए आए हुए सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। इनकी मान्यता है जैसे कोई संतान के प्रति मानता है या नौकरी के प्रति मानता है, और जैसे फसल अन्न धन की जो है उसके प्रति बहुत इनका वो रहता है। खासकर इनके लिए जो संतान, इनको संतान जो होती है वहाँ वो प्रभु जी के शरण में जाएगा, मदद मांगेगा तो कौन होगा। सोमवार सुबह तीनों देवपाल क्या अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गई। आपको बता दें कि सिमोग गांव स्थित मंदिर से तीनों पालकी 24 मई को क्यारी गांव के प्रवास पर निकली थी। करीब 60 किलोमीटर पैदल लंबा सफर तय करने के बाद पालकी वैराट खाई पहुंची और 25 मई को दोपहर 1 बजे क्यारी गांव पहुंची, जहां पर ग्रामीणों ने तीनों देवों की पालकियों पर फूलों की बौछार की और श्रद्धालुओं ने देवताओं से आशीर्वाद लेकर परिवार की खुशहाली की मनोकामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।